तो गाइस देखिए सब बैठ भाई, आज हो गया जिम में बैठ गया भाई। तो आज हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी सुबह के बज रहे हैं 8, और वैसे गाइज आज ईद है तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और फिलहाल अभी गाइज रेडी हो चुका हूँ, लेकिन कल जो जिम गया था तो सुबह उठते गाइज दोनों हाथों में इतनी तगड़ी मतलब पेन हो रही थी कि हाथ सीधा भी नहीं हो रहा था। फिर कैसे कैसे करके मैंने स्नान वगैरह किया, अब स्नान करने के बाद गाइज अब जाके ठीक लग रहा है थोड़ा सा, हाथ वाथ अब सही लग रहा है। तो फिलहाल अभी मैं तो रेडी हो चुका हूँ, और इधर देखिए आधी रेडी होके सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो मेरे लिए भी गाइस ब्रेकफास्ट बन चुका है। तो चलिए फटाफट चलते हैं और पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर नहीं तो थोड़ी देर हमारी बस भी आ जाएगी। वैसे अभी तक कॉल तो आया है कि अभी 5-10 मिनट बाद बस आएगी, लेकिन चलिए फिलहाल अभी फटाफट से सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या आज ब्रेकफास्ट में, और करके फिर चलेंगे ऑफिस के लिए। तो चलिए, तो गाइस देखिए आज ब्रेकफास्ट में बना है एक पराठा, बिल्कुल सूखा सा पराठा, तेल बिल्कुल कम ऑयली, और साथ में ये सत्तू 1 गिलास। तो चलिए फटाफट से अभी सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं, और बाहर देखिए जैसे रात को बहुत आंधी आया हो, पूरा पत्ता उड़ा हुआ हर तरफ, बहुत आंधी आई लग रहा है रात को, और मुझे पता नहीं वैसे। तो धूप आज सुबह से ही बहुत तगड़ी है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं ऑफिस के बस के पास, आ चुकी है हमारे ऑफिस की बस। तो गाइस देखिए आज यही देश चक्कर देव हर तरफ, सब लोग गले मिलने के लिए जा रहे, देखिए देखिए हमारा ऑफिस का जो रास्ता है। तो गाइज़ फाइनली अभी हम लोग ऑफिस पहुंच चुके हैं, और गाइज रास्ते में आज ईद को लेकर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और हर तरफ वाइट वाइट होते में सब लोग जा रहे गले मिलने के लिए। तो मस्त बाहर अच्छा माहौल, मस्त मज़ा आ रहा था, और हम लोग गाड़ी से ही देख रहे थे गाइज। और फिलहाल चलिए जस्ट ऑफिस आए हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ काम कर लेते हैं। तो गाइज अभी फिलहाल हमारे अकाउंटेंट साहब आ गए हैं ऑफिस, ये देखिए, और साथ में लेके आए समोसे। तो गाइज सुबह सुबह समोसे लेके आए, पूछते हैं क्यों लेके आए। चलिए तो राज कपूर जी, समोसे किस चीज के लिए लेके आए आप आज सुबह सुबह, बताइए बताइए बताइए। अरे बताइए बताइए, बधाई हो आपको, बधाई हो बस। किस बात का? अरे बस नई ज्वाइनिंग थी, बस सैलरी अच्छा, आई उस बात की वो है, इसलिए मैंने कहा अपने दोस्तों को थोड़ा सा। अरे क्या बात है, सही सही बात, सही बात, इसी सिलसिले में लेके लेके आए हैं, इसमें है समोसा। ओए होए, और ढेर सारा समोसा लेके आए आप तो, और इसमें समोसे और मिठाई, और क्या बात है, सर्व कर दे रहे हो, ये सब सर्व कर दे रहे। देख रहे जुआड़ी को, देखिए कैसे जुआ में पैसा, ऑफिस में बैठ के जुआ लगा रहे हैं, देखिए ऐसे देखे हुए गाइज आप लोग, देख रहे ना ये गौर से देखिए इस शख्स को, एक नंबर जुआड़ी है, चश्मे के पीछे जो आँख है वो जुआड़ी का आँख है। तो ये देखिए सर्व हो रहा है अभी समोसे, और समोसे समोसे प्रीतम में समोसे के तो पेट निकल जाएगा जो जिम जा रहे हैं। अरे कोई नहीं, इतना पेट तो बनता है मेरा, तो क्या मैं तो खाते पीते कम हो जाएगा, ट्रेनर ने मुझे यही बोला कि सर आपका तो खाते पीते कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना तो ज्यादा नहीं है, देख रहे हो ना जुआ से इधर 10-10 रुपये ऑटोमेटिक बन रहा है। ओ भैया तो लग रहा है सैलरी निकाल लीजिएगा। तो ये देखिए सारा समोसा हो गया सर, और साथ में ये रहा मिठाई, और आदि क्या आदि क्या पूछ रहे हैं आप? ओए क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये मतलब दो सरप्राइज है, ठीक है, हैप्पी बर्थडे बोल दीजिएगा मेरे तरफ से अपने बच्चे को, हैप्पी बर्थडे। अपना सैलरी के लिए खिला दिया समोसा, बेटे का बर्थडे के लिए खिला दिया मिठाई। वाह वाह क्या बात है, क्या कॉन्सेप्ट है, वाह। तो इसी में मिठाई और फेंक दीजिए ना मेरा इसी के अंदर। अच्छा छोटी समोसा खा लेते हैं पहले, समोसा खाने के बाद मिठाई खाएंगे। तो ये है ईद की खुशी में, ठीक है, नहीं खासकर ये जो बड़े बड़े बाल मतलब मुस्लिम नहीं खा लो, ईद ईद की ईद की खुशी बांट रहे हैं, बर्थडे की खुशी, नवरात्रि की खुशी, सैलरी की खुशी, और ईद की खुशी, सबकी खुशी में समोसे है भाई, ठीक है, और मिठाई भी है साथ में, मिठाई खा लेते हैं हम। मैं तो गरम करूंगा, अरे गरम तो है समोसा अंदर से, और 2-3 लोग कैसे नहीं आए उधर रहने के। तो गाइस बिल्कुल सुबह सुबह मस्त समोसे और मिठाई के साथ अभी एक नाश्ता किया हमने, मजा आ गया बिल्कुल। तो धन्यवाद राज कपूर जी, और आपके बच्चे को हैप्पी बर्थडे। वैसे आज का जो पार्टी था राज कपूर जी की तरफ से 4-5 खुशी में था, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन सबसे बड़ा इसमें है कि आज राज कपूर जी का बेटे का बर्थडे है, तो उन्हीं के लिए मिठाई था। तो चलिए बहुत अच्छा लगा, फटाफट काम करते थोड़ा। तो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं लंच करके बाहर, तो फिलहाल देखिए आज ईद है तो ये दुकानें सारी बंद हैं यहाँ पे, और हमारे कंपनी के भी आधे से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आज छुट्टी पे, क्योंकि आधे से ज़्यादा मुस्लिम है, और ईद की छुट्टी नहीं थी गाइज हमारे ऑफिस में, तो इस चक्कर में ऑफिस खुली हुई है।
तो आज बिल्कुल ऑफिस में शांति है, कोई भी मतलब आवाज़ आज बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मतलब एम्प्लॉयज बहुत कम आए हुए हैं आज। तो चलिए फिलहाल धूप भी आज नहीं, थोड़ा टहलते हैं बढ़िया से, फिर आप तो गाइज अभी हम लोग ऑफिस से आ चुके हैं घर। और गाइज बाहर आज बहुत भयानक वाला गर्मी है और थोड़ा सा मुझे पैदल ही आना पड़ा गाइज, क्योंकि मैं कुछ सामान लेने के लिए चला गया था, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है, हम लोग को मंदिर जाना है, तो इसीलिए कुछ कुछ चीज़ें लेने गए थे अभी। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या थी वो चीज़ें और किस लिए मैंने लिया था, चलिए आपको दिखाते। तो गाइज देखिए आते ही भैया उधर लग गए हैं पूजा में और आदि लेके आया है ये सारे मिठाई। तो क्या इस मिठाई की खास बात क्या है आदि, जो आप ये खाने में गाइज ऑफिस के पास ही मिलता है, आदि के अजीज दोस्त ने ला के दिया है, बिल्कुल 100 रुपये का है ये पूरा, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 15 कितना खाया आप आदि अभी, मतलब 18 पीस के करीब है, 200 रुपये का पीस अगर आप देखिए तो कितना 180 मतलब 200 रुपये किलो मान लीजिए, 200 रुपये किलो, क्योंकि 10 रुपये से कम तो कहीं मिलेगा भी नहीं। तो हम सही बोले ना लगभग, लेकिन हमको उस रेट में उन्होंने दिया है। हाँ तो होलसेल लिए ना। तो अभी गाइस जो लेके आए हैं यही कंटेनर लेके आ रहे हैं, देखिए भाभी बनाए हैं इसमें हलवा और पूरी, इसको पूरी का डिजाइन बड़ी मस्त है देखिए। तो ये भी देखिए हलवा पूरी लेके हम लोग जाएंगे मंदिर, सारे भाभी भी पैक कर रहे हैं देखिए। तो गाइस देखिए ये सारा पूरी डल गया है, पूरी और हलवा, तो इसको एक पैक करना है, इसको लेके हम लोग चलेंगे मंदिर, क्योंकि आज मंदिर में जो जरूरतमंद लोग हैं सबको भाभी बांटेंगे। वैसे भाभी का बर्थडे भी हम लोग जाने वाले थे बांटने के लिए, ठीक है आदि, लेकिन उस टाइम पे बृहस्पतिवार नहीं पड़ा था। अरे तो तेल पोछ की कीजिए, हाथ में लगा हुआ था, कोई गंदा जैसा दिख रहा है, वो ऐसे भी दिखेगा आदि, गंदा थोड़ी दिख रहा है, ये तो तेल है तेल। अच्छा इसको इसी तरह से क्यों ये करेंगे, उल्टा क्यों नहीं करते हैं, उल्टा कागज है, उधर से करने से एक फायदा तो है क्या, अंदर का चीज गर्म ही रहता है, वो है ना क्या बोलते हैं एल्युमिनियम पेपर है ना, जिससे खाना जो फॉइल पेपर डालते हैं ना, वही वाला, इसीलिए ऐसे पीस दिया एक, ये एक पीस दिया है 2 रुपए। कौन सा था ये था, कौन सा था, दो पूजा के लिए हा? ये है नहीं इधर रखे थे भाभी, ये है भाभी, अरे इधर वाला भाभी नहीं बताए, अच्छा रुके लगे हो जाएगा, इधर वाला है ना सबसे दो गो। तो गाइस देखिए अभी शाम को भाभी स्नैक्स में बनाए हैं दलपिट्टी, आटा और दाल वाल इसमें डाल के मस्त, तो कैसा लग रहा है भैया खाने में, सही है, ऐसे ही सब तो हेल्दी खाना होता है मस्त है। तो चलिए गाइस हम लोग भी खाते हैं। तो गाइस अभी हम लोग घर से नीचे आ गए हैं मंदिर जाने के लिए, भैया और भाभी तो आगे चले गए, मैं और आदि अभी साथ में जा रहे हैं, तो चलिए फटाफट से भैया और भाभी के पास पहुंचते हैं। तो गाइस देखिए हम लोग बैठ गए हैं रिक्शा में अभी मंदिर जाने के लिए, तो भैया और भाभी इधर बैठे, आदि आगे और मैं यहाँ देखा सीट खाली है। तो गाइस देखिए अभी यहाँ से हम लोग ले रहे हैं फूल, चल रहे हैं मंदिर के अंदर, पहले पूजा करके आते हैं। ओम साई राम, चलिए गाइस पहले साईं बाबा का दर्शन करके आते हैं। वहाँ प्लास्टर भी स्टार्ट हो गया इधर देखिए, आप लोग भी दर्शन किए साईं बाबा के, ओम साईं राम। तो देखिए भोग लगा रहे हैं जो हम लोग लेके आगे, अंदर से अभी आशीर्वाद लेके निकल गए हैं बाबा के दर्शन करके, अभी देखिए भैया ये बांट रहे हैं सबको, इधर देखिए छोटे छोटे बच्चे आ गए। और बुला लो किसी को, और बुला लो किसी को, वो देखिए सब लोग आ रहे हैं, वहीं चल जाइए ना, वहीं चल जाइए ना वहीं पर, तो गाइस देखिए सब लोग को भैया बांट रहे हैं और भाभी इधर पूजा कर रही हैं।
ये साईं बाबा के दर्शन के ठीक बाद यहाँ खाटू वाले बाबा के दर्शन करने आ गए हैं। यहाँ पे सामने मंदिर ओपन हुआ अभी, जय श्री श्याम। फिर दर्शन करने के बाद प्रसाद भी वितरण कर दिया है और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए। ये देखिए हमें भी प्रसाद मिल गया है ये बाबा के यहाँ, और ये भी साथ में प्रसाद मिला है, तो हमको दे दी जाती प्रसाद। ओम साई राम का नाम लेके, वाह ओम साई राम। तो भैया का हलवा पूरी में कॉन्सेंट्रेट है अभी। चलता गाड़ी में पहली बार, अभी खाली जा रही। तो गाइज मंदिर से डायरेक्ट हम लोग चले गए थे आदित्य मॉल, कुछ कुछ सामान लेना था जैसे बिस्किट विस्किट टाइप का, तो वो सब चाय चीज़ गाइज लेके अभी जस्ट घर पहुँचे। तो चलिए फटाफट से भी कपड़े चेंज करते हैं, पहना धोते हैं और चल निकलते हैं जिम के लिए, क्योंकि आज गाइज काफ़ी लेट हो गया है, 10 बज गए हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं। मस्त तैयार शैर होके निकल गया हूँ जिम के लिए और रात के 10 बज गए, इतना लेट कभी भी जिम नहीं आऊँगा, इससे पहले भी आज काफ़ी लेट हो गया क्योंकि उधर ही टाइम लग गया, प्रीतम मैं पहले ही जा चुके ऊपर। तो चलिए फटाफट चलते हैं जिम। अभी हम लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, देखिए आए थे गाइस ट्राइसेप्स वगैरह मारने करवा दिए, लेग्स क्या बैंड बज गया भाई, आज धोखा हो गया जिम में, बैंड बज गया भाई। तो आज तो घर पहुंच जाएगा ना, तो हम तो बोल के भेजें कि बस किसी तरीके से घर पहुंच जाओगे, इसीलिए बोला लास्ट में साइकिलिंग कर लो तब घर पहुंच जाओगे भाई। जब गजब का पेन हो रहा है पैरों में गाइस, आज लेग्स करवा दिया बिना कहे सडनली, वो भी तीसरे दिन कौन करवाता है भाई। हाँ सही बात है, अभी जाके पूछूंगा फिर पूरा आँख वाँख देख रहा है इसीलिए कैसा हो गया है भाई, सब लेग्स मार के आया हमने हल्का है, पूरा पसीना से गीला हो गया भाई देखिए। हाँ ये पीला टी शर्ट में ऐसे ही पता चल रहा है, हाँ गीला पूरा इनका पूरा गीला हो गया। गाइज अभी जिम से आ गया हूँ नीचे घर जाने के लिए, अगर लेग्स करने का बिल्कुल चला भी नहीं जा रहा, देख कैसे लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा हूँ मैं, तो ऐसे लंगड़ा लगा घर जाना पड़ेगा। तो चलिए फिलहाल चलते हैं घर। तो गाइज फाइनली जैसे तैसे घर पहुँच गया हूँ, और कल तक तो हाथ में दर्द था और आज पैरों में बड़ी हाँ तेज दर्द हो रहा है क्योंकि लेग्स करवा दी, और दर्द अजीब सा वो लेग्स वाला होता है ना, तो कल तक तो ये रहेगा, कल फिर जिम जाऊँगा तो जाके ठीक होगा। तो फिलहाल चलिए अभी कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, पैर हाथ धो लेते हैं। गाइस जिम से आते ही मैंने फटाफट से पहले अपना रात का डिनर कर लिया क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, रात के 11:40 बज चुके थे, मतलब लगभग 11:30 बज गया था। तो फटाफट से फिर मैंने खाना खा के, भाभी लोग तो खा चुके थे ऑलरेडी कि इतना लेट हो गया था, वैसे हम लोग खाने का टाइम गए 9:30 से 10 के बीच में, लेकिन मैं लेट हुआ तो भाभी भाई लोग सब लोग खा चुके थे, फिर आते गए फटाफट से मैंने खाना खाया। तो आज खाने में बना था गाइस दाल चावल और सोहिजन की सब्जी, सोहिजन सजमन पता नहीं क्या क्या बहुत सारा नाम है उसको, स्वीटी भी बोलते कहेंगे, तो बहुत टेस्टी बना था गाइस। अभी फटाफट से खाना खाया और गर्मी बढ़ रही थी, पसीना आपको दिख रहा होगा इस गर्मी कितनी बढ़ गई है, तो इसीलिए मैंने शर्ट वर्ट आज मतलब गंजी में घूम रहा हूँ, अभी गंजी में खाना पीना खा लिया मैंने मस्त अभी तगड़ा। तो इधर देखिए आदि सो चुके हैं और मैं भी जा रहा हूँ अभी सोने के लिए, भी रात के 12 के पार हो गए, 12:30 करीब बज चुका है, क्योंकि खाते खाते फिर मैंने खाया थोड़ा सा टहला घर में ही, तो इसीलिए लेट काफ़ी हो गई और सुबह उठना भी है। तो चलिए गाइज आई होप आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक लिखो बाय, गुड नाइट। Let me see you just do it to the fullest extent.